हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज है लेसन नंबर 6। ये है रूल नंबर 1 जो हमने प्रीवियस लेसन में 11 रूल्स पढ़े थे उसका रूल नंबर 1, स्पेलिंग रीडिंग रूल नंबर 1, मैजिक और साइलेंट ई। आगे जाने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू गेट माय अपकमिंग वीडियोस। सो अकॉर्डिंग टू द मैजिक ई रूल, व्हेन द लेटर ई सिट्स एट द एंड ऑफ द वर्ड इट इज यूजुअली साइलेंट। तो मैजिक ई रूल के हिसाब से जब ई एक वर्ड के एंड में बैठता है तो इट इज साइलेंट, मतलब वो उसका आवाज नहीं निकालेगा। तो उसका आवाज नहीं निकालेगा तो करता क्या उधर? द मैजिक ई मेक्स द वावल दैट कम्स बिफोर इट टू से इट्स नेम और गिव द लॉन्ग वावल साउंड। तो क्या करता है, उसके पहले जो वावल आ रहा है ना, एक लेटर पहले और उस वर्ड में जो भी पहले, उसके पहले जो वावल आ रहा है उसको उसका लॉन्ग वावल साउंड निकालने के लिए मजबूर करता है। तो मैजिक ई वावल्स आर एज फॉलोस। ए, आप देख रहे हैं इधर ई है लेकिन इसमें साउंड आएगा इसका लॉन्ग साउंड ए, ए नहीं आएगा, शॉर्ट साउंड ए आएगा। सिमिलरली ये आई होगा, ये ओ होगा और ये यू होगा। तो द मैजिक ई इज देयरफॉर आल्सो कॉल्ड द साइलेंट ई। ठीक है, ना ही सिर्फ उसको मैजिक ई, साइलेंट ई भी कहते हैं क्योंकि उसका साउंड नहीं आता है। तो लेट अस रीड दीज पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड नाउ नोटिस द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वावल साउंड्स विदाउट द मैजिक ई एंड विद इट एट द एंड ऑफ द वर्ड्स। अब यहाँ जो वर्ड्स दिए हैं वो दो वर्ड्स दिए हैं, देखिए ये है अस और ये है यूज। ठीक है, अभी इसमें ई नहीं है और इसमें ई है। ठीक है, अस का मतलब क्या है, हम, और यूज का मतलब क्या है, इस्तेमाल करना। इसमें मीनिंग भी चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ई एड हुआ है और साथ साथ में इसका शॉर्ट साउंड है लेकिन यहाँ पर ये लॉन्ग साउंड हो जाएगा। ये हो गया हैट और हेट। हैट क्या है, टोपी, और हेट क्या है, नफरत करना। देखिए नाम का मतलब भी, वर्ड का मतलब भी बदल जाता है। तो इसमें शॉर्ट साउंड यूज हो रहा है ए और इसमें लॉन्ग साउंड यूज हो रहा है। सिट और साइट, सिट मतलब बैठना, साइट मतलब एक लोकेशन। ठीक है, टैप, टैप मतलब नल, टेप मतलब पट्टी, चिक चिक जो चिपकाने वाली पट्टी। हिड और हाइड, हिड का मतलब है छुपना और हाइड का मतलब भी छुपना है, लेकिन थोड़े में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा फर्क है, वो आपको मैं आगे लेसन में बताऊंगी। तो इधर लेकिन ई के बिना ये हम हिड बोल रहे हैं और इसको हम हाइड बोल रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग साउंड। एट और एट, मैट मेट, बिट बाइट, हग ह्यूज, रिड राइड, मैड मेड, टब ट्यूब। आई होप आपने वो शॉर्ट एंड लॉन्ग वावल साउंड कैसे चेंज हो रहा है नोटिस किया बिकॉज ऑफ मैजिक ई। अभी तो साइलेंट ई इज कॉल्ड मैजिकल बिकॉज इट चेंजेस द साउंड एंड ऑल्सो द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, बट इट इटसेल्फ रिमेन्स साइलेंट। ई साइलेंट रहता है लेकिन वो साउंड भी चेंज कर देता है वॉवल, उसके पहले वाले वॉवल का, और उसका वर्ड का मीनिंग भी चेंज कर देता है। और वो एक और चीज करता है, जहां पर जी आ रहा है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं हग, हमने जो वर्ड देखा था पहले इसमें जी है ना, तो अभी यहाँ पर हम प्रोनाउंस करने के टाइम इसको कहते हैं हग, लेकिन ई एड करने के बाद यू का वॉवल साउंड भी लॉन्ग हो जाता है और जी का साउंड सॉफ्ट हो जाता है। तो हग ह्यूज, ठीक है, सॉफ्ट हो रहा है। इधर भी देखिए रैग रेज, ठीक है, रैग का मतलब चिथड़े कपड़े, रेज मतलब गुस्सा होना। वैग, वैग मतलब जिसे कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता है उसको वैग कहते हैं, और वेज मतलब हमारी तनख्वाह। तो आप देख रहे हैं इधर ग और ज कैसे चेंज हो रहा है। स्टैग, हिरण के मेल हिरण को स्टैग कहते हैं, और स्टेज, स्टेज मतलब जहां पर हम खड़े होकर प्रेजेंटेशन करते हैं पब्लिक में, उसको स्टेज कहते हैं। तो आप देख रहे हैं ज साउंड कैसे चेंज हो रहा है, ग है ये ज हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैजिक ही, साथ में वबल का लॉन्ग साउंड भी आ रहा है। तो जैसे हमने सारे एग्जांपल्स में देखे, एक साइलेंट ई साउंड भी चेंज करता है और मतलब भी चेंज करता है, इसलिए यू हैव टू यूज इट वेरी केयरफुली। वेर यू यूज इट, हाउ यू यूज इट, यू हैव टू बी केयरफुल। ठीक है, नाउ द मैजिक ई ऑल्सो मेक्स द फाइनल थ साउंड मोर वॉइस्ड। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको, ये है ब्रेथ, थ। इधर आप कैसे बोल रहे हैं, थ थ, आपके मुंह से आवाज आ रही है, लेकिन आप ये ब्रीद बोलेंगे ना, ब्रीद। ई क्या कर रहा है, ये थ का साउंड भी चेंज कर रहा है, तो थ, तो ये आवाज आपके गले से आ रही है, ब्रेथ ब्रीद। ट्राई करके देखिए, आपके गले में हाथ लगाएंगे तो आपको वहां से आवाज आते हुए पता चलेगी। तो नेक्स्ट वर्ड है क्लॉथ, क्लॉथ बोलते वक्त गले का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन आप क्लोथ बोलेंगे तो आपके गले में भी आवाज से आवाज निकल रही है। बात बेथ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ना, जैसे हर चीज में एक्सेप्शन होते हैं, वी हैव सम एक्सेप्शन हियर एज वेल।
जैसे यू मे हैव नोटिस्ड इन रियल लाइफ दैट देर आर सम पीपल हु डोंट फॉलो रूल्स. देखें आपने ट्रैफिक सिग्नल में जब रेड सिग्नल लगता है तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा, बाइक वाला या कार वाला, वी कैन नॉट से, जो सिग्नल तोड़ के निकल जाता है. तो सब रूल फॉलो नहीं करते. वैसे ही वर्ड्स में भी देर आर सम वर्ड्स दैट डोंट फॉलो दीज जनरल रूल्स. ओके, तो हम यहाँ पर कुछ वर्ड्स वैसे देखते हैं. आपके हिसाब से यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ पर ई है, इसको साउंड ओ आना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? हम इसको लव बोलते हैं, लोव नहीं बोलते, करेक्ट? इसको हम अबव बोलते हैं, अबोव नहीं कहते. इसको हम ग्लव कहते हैं, ग्लोव नहीं कहते. तो वैसे ही ये जो वर्ड्स हैं, लव, अबव, ग्लव, हैव, कम, सम, नन और कवर, ये सब शॉर्ट वोवल साउंड यूज करें इन स्पाइट ऑफ ई. ठीक है, तो दीज आर द एक्सेप्शन, देर आर मेनी एक्सेप्शन लाइक दिस. तो ऑलवेज रिमेंबर टू ऑल द रूल्स दैट वी हैव लर्न, देर विल बी सम एक्सेप्शन. ओके, तो ये अकॉर्डिंग टू हाउ टू स्पेल डॉट को टू को डॉट यूके ने, इन्होंने कहा है कि मतलब इन्होंने इनके हिसाब से व्हेन द एकेडमिक्स, मतलब जिन्होंने ये इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर रिसर्च करते हैं, उन्होंने जब ये साइलेंट ई इनकॉर्पोरेट किया था, दैट टाइम दे डिसाइडेड टू पुट द साइलेंट ई एट द एंड ऑफ वर्ड्स टू इंडिकेट अ लॉन्ग वोवल साउंड. That time they ignored these old words. ये कुछ पुराने words को उन्होंने ignore किए. मतलब they are not following the rules. You can't help it, है ना? तो just remember that, that there will be some exceptions. So let's do a small magic E test. ठीक है, magic E rule तो खत्म हो गया, आप समझ गए I'm sure. तो एक छोटा सा test करके देखते हैं कि आप लोग समझ गए हैं कि नहीं. तो listen carefully as I speak and try to spell the words with or without the magic E in the sentence. मैं आपको एक sentence दूंगी, उसमें दो blanks होंगे, तो आपको एक एक होगा लेटर विथ ई और एक होगा विदाउट ई. तो आपको डिसाइड करना है कौन कैसा आएगा. ओके, लिसन केयरफुली टू द लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल साउंड एंड ट्राई टू फिल इट. लेट्स स्टार्ट द टेस्ट. ओके, आई विल गिव यू 3 seconds बिटवीन, 3 to 5 seconds बिटवीन ईच सेंटेंस. ओके, नाउ यूज द वीडियो टू लर्न द लेसन विथ अस. यूज द वीडियो टू लर्न द लेसन विथ अस. क्या स्पेलिंग आएगा? Yes, use, use or us, us. Good. Next. When I saw the mistake, it made me mad. It made me mad. क्या स्पेलिंग आएगा? Good. It made me mad. Okay. Next. I will sit at the site till my boss comes. I will sit at the site till my boss comes. क्या स्पेलिंग आएंगे? Yes, sit, S-I-T, site, S-I-T-E. Very good. The tape on my tap is very strong. The tape on my tap is very strong. Very good. T-A-P-E, tape. T-A-P, tap. Mother gave her son a huge hug when he got back home. Huge or hug. क्या स्पेलिंग आएंगे? Very good. I hope you got this. आप साउंड भी सुनिए. J और J. Hold your breath for 5 seconds and then breathe out slowly. Breath, breathe. Hold your breath for 5 seconds and then breathe out slowly. Try to spell it. Very good. The toothpaste tube fell into the tub. The toothpaste tube fell into the tub. I hope you got this. T-U-B, tube, T-U-B, tub. ठीक है? I'm sure आप में से कई लोगों ने answers लिए. कमेंट्स में मुझे बताइए अगर आपको ये समझ में आ गया या आपको कुछ समझ नहीं आया, और कितने answers आप सही कर पाए, तो I will know कि आप समझ रहे हैं कि नहीं. ओके, विद दिस रूल नंबर 1 खत्म होता है. नेक्स्ट लेसन वी विल सी रूल 2. ओके, स्टडी वेल, एंड इफ यू हैव नॉट स्टडीड द प्रीवियस लेसन, प्लीज डू दैट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल. टेक केयर, गॉड ब्लेस.